नमस्ते दोस्तों, हे गाइस एंड वेलकम टू परिवर्तनम सुमन्स डेली व्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड चिराग। कहते हैं ना, परिवर्तन ही जीवन का सार है। तो आइए देखते हैं इस व्लॉग में क्या क्या परिवर्तन है। हमारे जीवन के परिवर्तन के हर एक पल से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इस व्लॉग के अंत तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो पे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मेरी बचपन की कुछ यादें जब मैं जर्मनी में था। जर्मनी में मेरे मम्मी पापा बहुत यंग थे, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं। हम जर्मनी में बहुत मस्ती किया करते थे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। जर्मनी में मेरे बहुत सारे अंकल थे जो मेरे साथ पूरे दिन खेलते ही रहते थे। अंकल कितना प्यारी करते हैं। हेलो अंकल, बोल दो अंकल को, हेलो बोल दो। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर है, ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर। मैं था ना क्यूट, मानते हो कि नहीं है? पकलो 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 पकलो। ये डार्मस्टाड की फेमस चर्च है, आप इसके ओवरव्यूज देखिए। अच्छा, अभी वो ठूट ठूटी है, अभी आ रहा है, लेकिन वैसे ही अच्छा दिखता है। क्या चीज? नेचर की बात नहीं है, सबकी अपनी खूबसूरती है। नेचर के करीब रहना चाहिए, हम लोग सब चीज को ढक के रखते हैं। खाना बनाते, मैं पहले गार्डन में बहुत खेला करता था, और जब थक जाता था तब अपनी प्रैम में बैठकर सो जाता था। मैंने प्रैम को बहुत यूज किया है। मैं जिस गार्डन में खेला करता था वहाँ पे बहुत सारे फूल उगते थे, जिसमें से ये एक पॉपी है, एक पैंजी, थोड़े बहुत ट्यूलिप्स, और बाकी के तो मेरे को नाम याद नहीं है। तो आप इसे देखिए और मजे लीजिए। तो दोस्तों, जर्मनी में हमने बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए हैं, और वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, जैसे कि ट्रैम्स, बुलेट ट्रेन्स, बसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें भीड़ भी बिल्कुल नहीं होती थी।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में मेरी बचपन की कुछ और यादों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।